हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने खाते से अपना मोबाइल नंबर को लिंक कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप अपना आवेदन पत्र को कैसे लिख सकते हैं। दोस्तों देखिए, आपको जो है अपने खाते के साथ में, चाहे फिर आपका कोई भी बैंक अकाउंट हो, कोई भी आपका बैंक हो, उसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक करना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका मोबाइल नंबर लिंक होता है तो ऐसी स्थिति में आपको आपके खाते का पल पल का अपडेट आपको मिलते रहता है कि कितना पैसा उसमें यहाँ पे आया हुआ है, कितना पैसा निकासी हुआ है। कहने का मतलब है कि आपके खाते का पल पल का अपडेट आपको आपके मोबाइल नंबर के माध्यम से मिल जाता है। इसके लिए आपका मोबाइल नंबर आपके खाते से लिंक होना जरूरी है। अब दोस्तों, मोबाइल नंबर को आपके खाते से लिंक करने के लिए आपको एक आवेदन पत्र लिखना होता है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए इसमें आपको क्या करना है, तो लिखना है सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक। ठीक है, श्रीमान शाखा प्रबंधक या फिर आप बैंक प्रबंधक लिख सकते हो। उसके बाद बैंक का नाम, मान लीजिए कि आपका बैंक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो आपको यहाँ पे लिखना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि बैंक ऑफ इंडिया है तो केवल यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया लिख देना है। उसके बाद आपको अपने ब्रांच का नाम लिखना है, शाखा का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद विषय में लिखना है दोस्तों, खाते से मोबाइल नंबर लिंक करने के संबंध में। ठीक है, उसके बाद लिखना है महाशय सभी ने निवेदन है कि मैं आपके शाखा का खाता धारक हूँ। ठीक है, फुल स्टॉप देना है। उसके बाद लिखना है मेरा खाता संख्या, जो भी आपका खाता संख्या होगा दोस्तों वो आपको लिख देना है। उसके बाद लिखना है फुल स्टॉप, मुझे SMS के माध्यम से खाते के संपूर्ण जानकारी हेतु अपने खाते से मोबाइल नंबर लिंक करने की आवश्यकता है। इतना लिखना है, फुल स्टॉप डालना है। उसके बाद दोस्तों आपको पैरा चेंज कर देना है। पैरा चेंज करने के बाद लिखना है अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे खाते से मोबाइल नंबर लिंक करने की कृपया करें। ठीक है, फुल स्टॉप डालना है आपको। फुल स्टॉप डालने के बाद दोस्तों आपको सिंपली लिखना है इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूंगा। आगे लिखना है आपका विश्वासी, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, आपका खाता नंबर लिखना है, आपका मोबाइल नंबर लिख देना है। ठीक है, तो इतना काम करना है दोस्तों। एक बस यही आवेदन, जैसे मैंने आपको बताया है दोस्तों, एज इट इज आपको इसी प्रकार से आवेदन पत्र लिखना है। आवेदन पत्र को आपको अपने ब्रांच के अंदर, अपने बैंक के अंदर जाकर के जमा कर देना है। 48 घंटे के भीतर भीतर आपके खाते से आपका मोबाइल नंबर को लिंक कर दिया जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आपके खाते से संबंधित जितने भी अपडेट होते हैं, जो भी पल पल के अपडेट होते हैं, वो आपके मोबाइल नंबर के अंदर SMS के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये आवेदन पत्र लिखना आ गया होगा और अपने खाते से अपना मोबाइल नंबर को लिंक करने के लिए भी आ गया होगा। फिर भी दोस्तों कोई भी इशू रह जाता है, कोई दिक्कत रह जाता है, तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, मैं डेफिनेटली आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।